दोनों हम अपने अपने पेड़ की खुद केयर करेंगे ताकि किसी का पेड़, ये जो पौधा है, ये सूख ना जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचली ओरा में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज भी हमें टाइम मिला तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी प्लांटेशन की जाए। दोस्तों मुझे लगता है कि सभी को प्लांटेशन करनी ही चाहिए क्योंकि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा रहेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं प्लांटेशन करने और बाकी जो मैंने पेड़ लगाए हुए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। साथ में ये भी बताएंगे कि चंदन के पेड़ कैसे लगाए जाते हैं। ये नहीं है कि इनको लगा के हम ऐसे छोड़ दें और उसके बाद उनकी केयर ना करें, हमें लगाने भी और साथ में इनकी केयर भी करनी है। दोस्तों हम चार पौधे लाए हैं चंदन के लगाने के लिए। ये जो पौधा होता है ये परजीवी होता है, इसको किसी दूसरे पेड़ के सहारे ही लगाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ और भी पेड़ है, अगर हम इनके साथ लगाएंगे तो ये जो पौधा होता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने एक छोटा सा खड्डा डाला है इसके लिए। तो अभी इस जितना मैंने खड्डा खोदा है इतना इस पौधे के लिए बहुत है क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं है ना, तो इतने खड्डे में ये लग जाएगा। तो अभी मैं आपके सामने लगाऊंगा इसको। दोस्तों ये सभी पौधे व्हाइट चंदन है। अभी इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा देंगे ताकि इसकी जो मिट्टी है वो अपनी पोजीशन ले ले जैसे पहले थी। दोस्तों अब हम जा रहे हैं दूसरा पौधा लगाने के लिए, तो ये देख रहे हैं कि कौन सी जगह अच्छी है जहाँ पर हम ये पेड़ लगा सकें। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये वाला पौधा मेरा होगा, ये मैं लगाऊंगी, पर खड्डा इसमें यही करेंगे। ये वाला अब मैं लगाने जा रही हूँ। दोनों हम अपने अपने पेड़ की खुद केयर करेंगे, अपने अपने की, जब अलग अलग होगा तो हम ज़्यादा केयर करेंगे ताकि किसी का पेड़, ये जो पौधा है, ये सूख ना जाए। दोस्तों बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से जो मिट्टी है ये चिकनी सी है, पर ये पेड़ लगते भी बरसात में ही ज़्यादा हैं, बरसात में इनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि चंदन की लकड़ी का यूज़ बहुत जगह पर होता है। दोस्तों एक पौधा हमने दोनों ने साथ में लगाया। दोस्तों पौधे लगाने के बाद अब इनको पानी देना भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाएंगे। वैसे तो बरसात का मौसम है पर बारिश का कोई पता नहीं है ना कब होगी, तो इसलिए इसके बाद दे रहा हूँ मैं इनको पानी। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तालाब बनवाया गया है जिसमें जब बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। ये सारा बारिश का ही पानी है जो खेतों से इकट्ठा हो गया है। दोस्तों अभी हमने चारों पौधे चंदन के यहाँ पे लगा दिए हैं, अभी मैं आपको बाकी पेड़ भी दिखाऊंगा जो मैंने पहले से लगाए हुए हैं। दोस्तों आप ये जो पेड़ देखेंगे इसे मैंने 10 साल पहले लगाया था, आज ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। दोस्तों आप ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं ये है सागवान का, इसे भी मैंने तकरीबन आज से 8-10 साल पहले लगाया था, काफ़ी बड़ा हो चुका है, 20 फीट से भी ज़्यादा हाइट है इसकी। इस तरह के और भी बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं पर वो दूसरे खेतों में है, वहाँ पे काफ़ी घास उग चुका है खेतों में तो वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। आइए मैं आपको कुछ पेड़ और भी दिखाता हूँ जिन्हें मैंने पहले से लगाया हुआ है। दोस्तों मुझे पेड़ों और नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं नए तरह के कोई ना कोई पौधे लगाता रहता हूँ। दोस्तों आप ये जो दो पेड़ देखेंगे ये मैंने अपने घर के बिल्कुल पास में लगाए हैं, ये भी आज से मैंने कोई तकरीबन 10 साल पहले लगाए थे। और जैसे जैसे मैं अपने पेड़ों को ग्रो करते देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये जो पेड़ है ये रुद्राक्ष का है, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये है कॉफ़ी का, इसके ऊपर आप देख भी सकते हो कि थोड़ी अभी कॉफ़ी लगने शुरू हो चुकी है, ये ग्रीन ग्रीन। और ये है लीची का पेड़, ये तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हर साल आदमी को एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए, तभी हमारी जो अर्थ है, हमारा देश है, वो सुंदर बनेगा। तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। ज़रूरी नहीं हो
चंदन का हो, आप कोई छोटा पेड़ भी लगा सकते हैं, कोई और भी पौधा लगा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।